रहीम, आज थ्री क्लास की साइंस का हमारा छठा ऑनलाइन लेक्चर है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर एफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर एफ है, हाउ डज द ब्रेन टेल अस अबाउट अ स्मेल। हाउ डज द ब्रेन, दिमाग किस तरह टेल अस हमें बताता है अबाउट ए स्मेल, एक स्मेल के बारे में। तो स्मेल जो है वो हम नोज़ की मदद से करते हैं, नाक की मदद से हम चीज़ों को सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, लेकिन वो स्मेल किस तरह की है, अच्छी है या बुरी है, उसके बारे में हमारा दिमाग जो है वो हमें बताता है। तो इसका आंसर है सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट इन दी नोज़। सेंसरी नर्व्स क्या हैं, जिस तरह ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं जो जिस्म के हर हिस्से में फैली हुई होती हैं, इसी तरह नर्व्स जो हैं वो जिस्म के तमाम हिस्सों में मौजूद होते हैं। उनका काम होता है दिमाग तक किसी भी पैगाम को पहुंचाना। तो नोज़ के अंदर, नाक के अंदर सेंसरी नर्व्स मौजूद होते हैं। सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट इन दी नोज़, सेंसरी नर्व्स नाक में मौजूद होते हैं। सेंड मैसेजेस टू दी ब्रेन, जब कोई भी स्मेल जो है वो नाक के अंदर दाखिल होती है तो उसके बारे में पैगाम जो है वो दिमाग तक सेंसरी नर्व्स पहुंचाते हैं। दिमाग फिर उस पैगाम का जायज़ा लेता है और जायज़ा लेने के बाद हमें बताता है कि वो स्मेल किस किस्म की है, वो अच्छी है या बुरी है। तो सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट इन दी नोज़ सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, नाक के अंदर मौजूद जो सेंसरी नर्व्स हैं वो ब्रेन तक पैगाम पहुंचाते हैं। दैट टेल्स अस अबाउट ए स्मेल, फिर हमारा दिमाग जो है वो उस मैसेज का जायज़ा लेकर हमें बताता है कि वो स्मेल किस किस्म की है, अच्छी है या बुरी है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आपने असाइनमेंट भी तैयार करनी है, उसी को अच्छी तरह याद करना है।